हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था बच्चों? अभी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे बेसिस के, क्षार के आपके रासायनिक गुण हम लोग देख रहे थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया देखी थी, ठीक है। तो क्षार की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड के साथ, तो आपने बोला अधातु का ऑक्साइड यानी कि अम्लीय प्रकृति, और क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, अगर अम्ल के साथ कोई क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी आपकी, लवण और जल बनेगा। जब कोई क्षार आपका किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहां पर एक लवण और जल बनता है, इसी को आपका क्या कहा जाता है? एन एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहा जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. KOH है आपका H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, K2SO4 बना रहा है, साथ में H2O बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? अम्ल क्षार या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सूत्र क्या है? क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और लवण और जल आपका बना रहा है, ठीक है। जैसे NaOH plus HCl gives NaCl plus H2, तो ये क्षार है, ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल आपका बनाएगा। ये क्षार है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, एप्पल है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? मैलिक एसिड है, लेमन हो गया, सिट्रिक एसिड, टमाटो, ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड है आपका, कर्ड हो गया, लैक्टिक एसिड, स्टमक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड और बी फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जितना हमने पढ़ा है और बेस के बारे में, इसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एसिड से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड और व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस not be kept in brass and copper vessels? क्या कहा गया है? वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, दही और खट्टे जो पदार्थ होते हैं आपके, उनको नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, तांबे के और ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों? क्योंकि उनमें है आपकी धातु, और धातु से करेगा आपका कर्ड या सोर सब्सटेंस का मतलब क्या है? आपका अम्ल, अम्ल अभिक्रिया करेगा और एक आपका एक सब्सटेंस बना देगा जो हेल्थ को अफेक्ट करेगा किसी भी पोषण के, ओके? तो बस यही आपको आंसर में लिखना है, आंसर लिखिए। कर्ड एंड सोर फूड सब्सटेंसेस, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस
कंटेन ऐसे स्टोर फूड सब्सटेंसेस भी आप लिख सकते हो, कंटेन एसिड कंटेन एसिड कंटेन एसिड ठीक है। इनमें क्या होता है, अम्ल उपस्थित होते हैं। ओके दीज एसिडिक सब्सटेंसेस एसिटिक सब्सटेंसेस कंबाइन विद मेटल कंबाइन विद मेटल दिस रिएक्शन टर्न्स फूड इंटू पॉइजन। दिस रिएक्शन टर्न्स फूड इंटू पॉइजन। विच डैमेजेस विच डैमेजेस पीपल्स हेल्थ। ओके क्या समझ आया? जो वो कर्ड है, दही है या फिर वो खट्टा जो भी भोज्य पदार्थ है, उसमें अम्ल उपस्थित है, और वो अम्ल जब आपका किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो वो एक पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा उस फूड को, जिससे कि उस पर्सन की या किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए दही को या फिर ऐसे खट्टे पदार्थों को तांबे के या फिर किसी भी ऐसे ब्रास के ऐसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए जो धातु का है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल एंड एसिड रिएक्ट विद अ मेटल गिव वन एग्जाम्पल। ओके एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। तो बताइए अभी तो किया था ये लास्ट सेशन में, अभिक्रिया किसकी हो रही है? अम्ल की और धातु की हो रही है। एक मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, और जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो वहां पर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और साथ में क्या हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। क्या बोला था? एसिड आपका मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपका एक सॉल्ट बनेगा जो मेटल का होगा, ठीक है, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, जनरली या सामान्य तौर पर आपकी कौन सी गैस वहां पर निकल रही है? तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और आपको क्या करना है, आंसर सिर्फ गैस बताना और साथ में आपको एग्जाम्पल भी देना है उसका, ठीक है। सो लिखिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी मेटल, ओके किसी भी मेटल से अभिक्रिया करेगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है।
तो प्रश्न क्या था? जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो लिखेंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु से होने पर कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण दीजिए। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में एक लवण भी बन रहा है आपका, क्योंकि एक एग्जाम्पल पूछा है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आपका। ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड आपका सॉल्ट हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस, ये धातु थी, इसने अम्ल से अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला, एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने बोला कि जो आपका एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में देता है एच प्लस आयन, और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है या तो आयन होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहीं पर भी अगर आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका रीजन क्या है कि उस स्थान पर आपका या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर आयन है। और आयनों के रूप में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एसिड जो है उसका एक्वस सोल्यूशन जब बन रहा है तो वहां पर एच प्लस आयन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए। ओके, यही आप लिखेंगे। लिखिए, चार्ज पार्टिकल्स charged particles are responsible particles are responsible for the conductance of electricity. इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड दीज चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, दीज चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, इनको क्या कहा जाता है? आयंस कहा जाता है। एंड दीज आर दी रीजन बिहाइंड बिहाइंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहाइंड कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। ठीक है, तो अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? तो आयनों के कारण। ठीक है,
चलिए अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखिए, बेसिक सॉल्यूशंस हैव डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव एच प्लस आयंस। जो क्षारीय विलयन है क्या उनमें एच प्लस आयंस होते हैं, ये आपको बताना है। ओके, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। ठीक है, बताओ। तो H प्लस आयन होते हैं, बेसिक सोल्यूशन हमने बोला ओ एच निगेटिव आयन दे रहा है एक्वा सोल्यूशन में, लेकिन वहां पर आपका जो बेसिक सोल्यूशन है उनमें H प्लस आयन भी होते हैं, लेकिन जो मात्रा होती है वो ओ एच निगेटिव की ज्यादा होती है, क्योंकि ओ एच निगेटिव आयन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन आपके ज्यादा है, इस वजह से वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, यस बेसिक सोल्यूशन Have H plus ion. Yes, basic solutions have H plus ions, but hydroxide ions are more in बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, अधिक है, मोर इन बेसिक सोल्यूशन, हेंस हेंस ओएच निगेटिव आयन्स टर्न सोल्यूशन बेसिक, टर्न सोल्यूशन इनटू बेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट दिस रिएक्शन। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, जो कि क्या है आपका धातु का कार्बोनेट है, धातुक कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट जिसे आप कह रहे थे, उसकी अभिक्रिया HCl यानी कि आपके अम्ल से हो रही है, क्या बनेगा बताओ। धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो थे वो अम्ल से अभिक्रिया करके एक तो आपका क्या बन रहा है, धातु का लवण बन रहा था, दूसरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और H2O बन रहा था। ठीक है, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, ठीक है ना, जैसे तो धातु का कार्बोनेट है, नहीं मेटल कार्बोनेट है, लेकिन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो उस केस में भी आपका एक लवण बन रहा था, जल बन रहा था और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने क्या देखा है, यहाँ पर बेस के बारे में हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जाने जो इन दोनों टॉपिक से यानी एसिड और बेस से रिलेटेड आपका थे। ठीक है, बोलो भाई। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो चुका है एसिड बेस, और जो चैप्टर का नाम जैसे आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो तीसरी टर्म है सॉल्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट बेसिकली क्या है आपका, लवण जिसे कहा जा रहा है, वो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, जो आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ी, जो आपने अम्ल के टॉपिक में पढ़ी, जो आपने क्षार के टॉपिक में पढ़ी,
उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त जो उत्पाद बन रहा है उसको आपका लवण यानी कि सॉल्ट कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है, या अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त जो उत्पाद बन रहा है उसको लवण कहा जाता है, ठीक है ना। लवण के कुछ भौतिक गुण आएंगे, कुछ उसके प्रकार आएंगे, ये हम आने वाले सेशंस में अपना पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा क्वेश्चन होगा आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।